बुधवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बौखला हुई है, हमारे नेताओं के खिलाफ कांग्रेस अपशब्द का उपयोग करना उचित नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि युवा अपने हक के लिए राजधानी की सड़कों पर निकले थे, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था उसे पूरा करे। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता बड़ी बेशर्मी पूर्वक अपनी झूठी बातों के लिए अभी दलील देते हैं कि कांग्रेस अमुक वायदे के लिए गंगा जल की कसम खाई थी, जबकि कांग्रेस नेताओं ने सिर्फ किसानों के कर्ज माफी को लेकर गंगा जल की कसम खाई थी। वहीं उन्होंने बेरोजगारी भत्ते को भी लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बौखलाई हुई भी है, हमारे नेताओं के खिलाफ अपशब्द अनाप शनाप शब्दों का उपयोग शालीनता की सीमाएं पार करके किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। शब्दों की मर्यादा मुख्यमंत्री जी को रखना चाहिए। हमारे नेताओं के खिलाफ इस प्रकार से अनाप शनाप शब्द कतई उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव झूठ बोल के यह भ्रम फैलाने की कोशिश में लगे हैं कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कभी भी बेरोजगारी भत्ता देने का कोई वायदा नहीं किया था। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के अपने घोषणा पत्र में किया था, जिस वायदे को 15 साल सरकार चलाने के बाद भी भाजपा ने पूरा नहीं किया।